अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इजी स्वीट डिश जिसका नाम है चाइना ग्रास। ये हम रमज़ान में और ऐसे नॉर्मल डेज में भी बहुत बनाते हैं। देखिए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे मैं आपको बताती हूँ। आधा लीटर दूध लगेगा हमें, येलो फूड कलर चाइना ग्रास 5 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे, काजू और किशमिश, शक्कर, और चलिए मैं आपको बताती हूँ उसे बनाना। दूध हमने उबलने के लिए रख दिया है, इसमें डालेंगे शक्कर, देखिए 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारा सोक किया हुआ चाइना ग्रास। और इसे कंटिन्यूअसली हिलाएंगे। गैस स्लो कर दो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चाइना ग्रास पूरा मेल्ट होना शुरू हो गया है। देखिए इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरा चाइना ग्रास में मिल चुका है, पूरा डिसॉल्व हो गया है दूध में। स्टेज पर अब हम अपना फूड कलर डालते हैं। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और अभी इसे करेंगे प्लेट में या फिर जो भी आपके पास ऐसा अच्छा सा बर्तन हो जिससे आप उसको फ्रिज में रख सकते हो उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे एक प्लेट में अच्छे से ट्रांसफ़र कर लिए है। अब ये सिर्फ हमारा आधा लीटर ही दूध था लेकिन इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बनता है। देखिए अभी हम इसमें डालेंगे हमारा ड्राई फ्रूट्स। देखिए अब हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं सेट होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स हमारा चाइना ग्रास बनकर तैयार है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।